आज हम पढ़ेंगे विलायक तंत्र का सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। अभी तक हमने जो अम्ल और क्षार की थ्योरियां पढ़ी हैं उनमें ये तीसरे नंबर की थ्योरी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो थ्योरी ये सिद्धांत आरएनए सिद्धांत का ही एक विस्तृत रूप है। आरएनएस ने जो सिद्धांत दिया था कि जब जल में घुल करके प्रोटोन विलायक जल धनायन मुक्त करे तो वह अम्ल होगा, और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन विलायक जल का ऋणायन मुक्त करे तो वो क्षार कहलाएगा। सामान्य विलायक सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलकर यदि विलायक का धन आयन मुक्त करे तो वह अम्ल कहलाता है। ये ऐसे कह रहा है सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी पदार्थ को जब विलायक में घोला जाता है और वो घुलने के बाद अगर विलायक का धनायन पार्ट देता है तो वह अम्ल कहलाएगा। और दूसरा, जो पदार्थ किसी विलायक में घुलकर उस विलायक का ऋणायन मुक्त करे तो वह क्षार कहलाएगा। विलायक के धनायनों ऋणायनों का आपस में संयुक्त होकर विलायक अणुओं का बनना न्यूट्रलाइजेशन या उदासीन कहलाता है। जैसे अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन किया जाता है, स्वतः आयनन किया जाता है, तो अमोनिया NH4+ NH2- बनता है। NH4+ तो धनात्मक पार्ट हो गया इसका और NH2- ऋणात्मक पार्ट हो गया अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन पर। तो जैसे अमोनिया के अंदर किसी पदार्थ को मिलाया जाता है और वो NH4+ पार्ट देता है तो वो अम्ल है, और यदि वो विलायक में NH2- पार्ट देता है तो वो क्षार है। तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ द्रव अमोनिया में अमोनियम आयन मुक्त करेंगे तो अम्ल कहलाएंगे, जबकि वह पदार्थ जो द्रव अमोनिया में एमाइड आयन मुक्त करेंगे वो क्षार कहलाएंगे। अमोनियम आयनों के एमाइड आयनों के साथ संयुक्त होकर अमोनियम अणु बनाने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इस प्रकार ही जैसे द्रव N2O4 विलायक में नाइट्रोसिल NO+ आयन मुक्त करने वाले पदार्थ अम्ल और NO3- आयन मुक्त करने वाले पदार्थों को क्षार कहते हैं, यानी कि इसका ऑटोआयनाइजेशन होना तो ये बनता है। और जब इन दोनों को संयुक्त करते थे N2O4 लिक्विड बनता है तो ये उदासीकरण कहलाता है इसमें। अब विलायकों के सम आयनन व विषम आयनन प्रभाव, यदि प्रोटोनिकल डाई नाइट्रोजन N2H+ N2 की प्रोटोन बंधुता इसमें 494 किलो जूल पर मोल है, तो N2H+ को गैसीय जल के साथ मिश्रित किया जाता है इसमें, तो H2O के एक अणु विद्यमान हो तो उसमें निम्न अभिक्रिया होगी, इसमें N2H+ प्लस H2O तो नाइट्रोजन निकल जाएगी, H3O+ बन जाएगा, और इसके पीए का मान जो होगा वो 697 H2O के लिए होगा और N2 के लिए 494 होगा। तो यहाँ जल का पीए इस बात का निर्धारण करता है कि प्रोटॉन का स्थानांतरण हो अथवा नहीं। उपयुक्त के विपरीत गैसीय जल के साथ में हाइड्राइड आयनों को मिश्रित किया जाए तो निम्न प्रतिक्रिया होगी, जैसे हाइड्राइड आयन प्लस H2O तो H2+ OH-, और यहाँ पर OH- आयन को प्रोटॉन बंधुता का मान आगे भी के लिए तंत्र की क्षारकता का निर्धारण करता है। इसी प्रकार से अभिक्रिया संबंधित जैसे गैसीय में HCl की अभिक्रिया H2O+ प्लस HCl, तो गैसीय अवस्था इन दोनों के लिए H3O+ प्लस Cl-, तो यहाँ देखेंगे अपन 697 और 554 जो इनका मान है वो 1395 से अधिक है, क्योंकि यहाँ PaCl- ग्रेटर देन PaH2 होता है, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। HCl एक अच्छा प्रोटोन दाता है, इसका pH जल के pH से कम आता है, इसमें HCl गैस / H2O गैस तंत्र की अम्लता का निर्धारण करता है। यदि किसी जल में अमोनिया गैस को मिश्रित किया जाए H2O प्लस अमोनिया तो NH4+ होगा, इस अभिक्रिया भी संपन्न नहीं होती, क्योंकि यह अभिक्रिया में हम देखते हैं कि PaOH- ग्रेटर देन PaAmmonia और यहाँ NH3 गैस के pA का मान H2O के pA के मान से अधिक है, अतः यह अमोनिया H2O/Anionia तंत्र की क्षारकता निर्धारित करता है। उपयुक्त से निष्कर्ष निकलता है कोई भी स्पेसिस प्रोटॉन स्थानांतरण की अभिक्रिया में तभी भाग लेती है यदि उसके प्रोटॉन बंधुता का मान जल की प्रोटॉन बंधुता यानी 693 किलो जूल पर मोल अथवा OH- की प्रोटॉन बंधुता के मानों के मध्य स्थित हो। यदि
एक्स माइनस के पी ए का मान 1635 से उच्च हो तो वह जल से प्रोटॉन ग्रहण करेगी, और यदि एक्स माइनस के पी ए का मान 1693 से कम हो तो एच एक्स से प्रोटॉन का स्थानांतरण जल ग्रहण की ओर होगा। अतः गैसीय जल प्रवस्था में कोई भी स्पेसिस एस थ्री ओ प्लस से अधिक अम्लीय नहीं हो सकती और ओ एच माइनस से अधिक क्षारीय नहीं हो सकती। अम्ल व क्षार जो इस सीमा से बाहर हैं उनको जल के अणु से क्रिया कराने पर एस थ्री ओ प्लस या ओ एस माइनस बनाकर इस सीमा में बांधा जाता है। यदि जल का गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में लाया जाए, यानी कि जल को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में लाया जाता है और इन्हीं अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाए तो द्रव जल के झुंड अणुओं के साथ प्रोटॉन का जलयोजन हो जाता है, और इस प्रक्रम में जलयोजन ऊर्जा मुक्त होती है और झुंड के में जल अणु की संख्या जितनी अधिक होगी जलयोजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा और इसकी उच्चतम सीमा का मान 1130 किलो जूल पर मोल होता है। इससे द्रव जल की प्रभावी प्रोटॉन बंधुता इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ लिक्विड वाटर कहा जाता है। अब यदि ओ एस माइनस आयन द्रव जल में जल योजित हो जाए तो उनके प्रोटीनकृत और आवेश उदासीकरण में पहले उनके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना होगा और इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। कोई भी स्पेसिस जलीय विलयन में एच प्लस आयन से अधिक अभिलेय वह ओ एच माइनस से अधिक क्षारीय नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।